आखिरी होता है जो 99 में होता है, वो आप बाद में सीखोगे। अभी सिर्फ हम दो ही लिंग के दो ही प्रकार सीख रहे हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कोई ऐसे शब्द होते हैं कि जिसको आप पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में समझते हो, या उसका हमको समझने में आता है कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे कि राजा, राजा बोलते हैं तो हमको एकदम से ध्यान आता है कि हाँ ये पुल्लिंग है, ठीक है। फिर जैसे हम रानी बोलेंगे तो रानी मतलब वो हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो एक स्त्री होगी या फिर वो स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उसके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार है, पुल्लिंग और कोई भी शब्द
जैसे अभी मेरे पास चौक एक है तो ये एक वचन हुआ, पर अगर मेरे पास बहुत सारी चौक है तो उसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। अब है आपके समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसको बोलेंगे? जिन शब्द के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। कोई ऐसे शब्द होते हैं कि जिसका कोई अर्थ निकलता है और वो उसके जैसा ही, मतलब वो अर्थ का मतलब जो शब्द है उसके जैसा ही हो तो उसको समानार्थी बोलते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे आपका जो कोई भी नाम है, जैसे कि आपका नाम है राज, है ना, तो मम्मी राज भी बोलती है, लालू भी बोलती है, राजू भी बोलती है ना, पर वो तो आप एक ही, तो ये सारे आपके समानार्थी, मतलब एक ही चीज या वस्तु या फिर इंसान के एक से ज्यादा उसका नाम हो जाता है समान अर्थ वाले, तो उसको बोला जाता है समानार्थी। ठीक है, जैसे कि आनंद, तो आनंद है उसके साथ आप उसका समानार्थी होता है हर्ष या उल्लास। फिर आप बोलोगे आकाश तो उसको बोलोगे नभ और गगन, है ना, तो ये सारे समानार्थी शब्द है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया लिंग वचन और समानार्थी शब्द। लिंग किसको बोलेंगे? जो शब्द बोलने पे उसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध होता है उसको लिंग बोलेंगे। लिंग दो प्रकार की है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द बोलने पे वो पुरुष जाति का हो ऐसा बोध हो उसको हम पुल्लिंग बोलेंगे, और जो शब्द बोलने पे वो स्त्री जाति का है ऐसा बोध हो तो उसको हम स्त्रीलिंग बोलेंगे। ठीक है, फिर है वचन। वचन वचन किसको बोलेंगे? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसको हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप को तो आप बोलने पे एक या अनेक है वो पता चले उसको वचन कहेंगे। दो प्रकार के वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक अगर आप बोलने कोई भी वस्तु या प्राणी को बोलने से आपको ये पता चल रहा है कि हम किसी एक के लिए बात कर रहे हैं उसको एक वचन बोलेंगे। अगर वो संज्ञा या शब्द बोलने पे अगर आपको बोध होता है कि वो एक से ज्यादा है, एक से अधिक है, तो उसको हम बहुवचन बोलेंगे। और समानार्थी शब्द किसको बोलेंगे? जिस शब्द का अर्थ समानता होती है, जो शब्द आप बोलते हो उसके अर्थ में समानता होती है उसको समानार्थी या पर्याय शब्द